सर पहले तो मैं बाइक लेने में था, लेकिन मेरा फ्रेंड ये एक मैंने जब गाड़ी परचेज की थी उससे 15 दिन पहले उन्होंने गाड़ी ली थी, तो 2 दिन मैंने गाड़ी रखी थी ये, फिर उसके बाद में मेरा ये लेने का मन हो गया। आपको क्या पसंद आया इस गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी की सभी चीज़ बढ़िया है, मजबूत गाड़ी है और 300 किलो वेट आराम से गाड़ी ले जाती है, और स्पीड बढ़िया है, 90 की स्पीड है इस गाड़ी की, और GPS सिस्टम है इस गाड़ी में। ये गाड़ी वैसे तो 185 की आ रही है, सब्सिडी काटने के बाद में 152,800 की पड़ी है, और अब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से और सब्सिडी मिल रही है 11,000 की, तो लगभग 142 की गाड़ी पड़ जाएगी मेरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। एथर की जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो इसके ओनर हैं जो इसको पिछले 4 या 5 महीने से यूज़ कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं और क्या इसमें कमियाँ हैं, इसका बैटरी बैकअप कितना है, 1 टाइम चार्ज में कितना किलोमीटर जा सकती है, और आपको इसके ऊपर कितनी सब्सिडी मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे आज, जो इसके ओनर हैं उनसे मैं रिव्यू करूँगा और इसकी कमियाँ और खूबियों के बारे में हम पता करेंगे सर से। तो वीडियो शुरू करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे से आगे इसको लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और बात करते हैं सर से। सर आपका शुभ नाम? धर्मराज शर्मा। तो हमारे साथ धर्मराज जी हैं, तो सर से बात करते हैं कि सर आपने कितना टाइम हो गया आपको ये बाइक परचेज किए हुए? मेरे को 4 महीने हो गए लिए हुए। तो सर को 4 महीने से सर के पास में ये है। सर सबसे पहले तो एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करो? सर पहले तो मैं बाइक लेने में था, लेकिन मेरा फ्रेंड ये एक इधर पास में रहता है, तो उन्होंने मेरे से मैंने जब गाड़ी परचेज की थी उससे 15 दिन पहले उन्होंने गाड़ी ली थी, तो 2 दिन मैंने गाड़ी रखी थी ये, फिर उसके बाद में मेरा ये लेने का मन हो गया। किसी और के रेस्पॉन्स देखा था इन्होंने, वो इनको बहुत सही लगा इसलिए इन्होंने इसे परचेज किया। को क्या पसंद आया इस गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी की सभी चीज़ बढ़िया है, मजबूत गाड़ी है और 300 किलो वेट आराम से गाड़ी ले जाती है, और स्पीड बढ़िया है, 90 की स्पीड है इस गाड़ी की, और GPS सिस्टम है इस गाड़ी में, और इसमें सब स्क्रीन आप देख ही सकते हो, इसमें सब बैटरी बैकअप और जो किलोमीटर है सब आ जाता है इसमें, कितना क्या चलेगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं गाड़ी की, वो सभी मैं आपको बताऊँगा। तो इन शॉर्ट अच्छा माइलेज है गाड़ी का, बॉडी काफ़ी अच्छी है। तो सर ये 1 टाइम चार्ज कितनी देर में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी? 1 घंटे में फुल चार्ज होती है गाड़ी, और 85 किलोमीटर की रेंज है, और इसके अलावा जो आप देख रहे हो LED लाइट है, और बढ़िया गाड़ी है, और 4 महीने में काफ़ी आसानी सुविधा हो गई मेरे को अब गाड़ी लेने के बाद में। सर बात करें तो आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी? ये गाड़ी वैसे तो 185 की आ रही है, सब्सिडी काटने के बाद में 152,800 की पड़ी है, और अब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से और सब्सिडी मिल रही है 11,000 की, तो लगभग 142 की गाड़ी पड़ जाएगी मेरे। तो 1,42,000 में आपको ये गाड़ी मिल रही है, इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है इसका, और जो इसके फीचर्स हैं फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो इसमें अलॉय व्हील्स हैं, पावर ब्रेक्स हैं, जो हमारे डिस्क ब्रेक हैं गाड़ी के अंदर वो सब हैं, और GPS नेविगेशन है, और सबसे खूबी की बात जो इस गाड़ी के अंदर है जो एथर के अंदर है वो है इसका टच पैनल जो दिया हुआ है इन्होंने, वो पूरा का पूरा टच स्क्रीन है, जो इनका डिजिटल मीटर है वो पूरा का पूरा टच स्क्रीन का पैनल बना हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी खूबियाँ इस गाड़ी के अंदर। और सर एक बार में अगर आप चार्ज करते हो उसको तो अप्रॉक्स जो आप नॉर्मल इको मोड है इसका उसमें अगर आप इसको चलाते हो तो ये कितना किलोमीटर तक रनिंग कर सकती है? इसमें इको मोड में 85 किलोमीटर चलेगी, बाकी अपन अगर इसको फुल स्पीड में चलाते हैं 10 किलोमीटर कम हो जाते हैं इसका, कम हो जाते हैं लगभग आप 75 किलोमीटर मान लो। तो ये भी है। और सर साथ ही साथ एक बात करें कि मैं जब फुल चार्ज करूँगा कितना समय में चार्ज होती होगी पूरी बैटरी? 2.5 से 3 घंटे फुल चार्ज में, फुल चार्ज होता है 2.5 से 3 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ज़्यादा समय भी नहीं लेगी आपका। और सर एक चीज़ और थी कि जब मैं अगर बैटरी चार्ज करूँगा तो कितनी यूनिट इसमें खाती होगी? 3 घंटे में फुल चार्ज होती है तो 3 यूनिट लेती है, तीन यूनिट लेती है, करीब 18 से 20 रुपये हो गए आपके 3 यूनिट में।
उसमें आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगी और उसके बाद में आप 90-100 किलोमीटर के बीच में आराम से रनिंग कर सकते हो इको मोड में। तो ये सब है इसके बारे में फीचर जो हम लोगों ने आज सर है धर्मराज जी उनसे पता किया। ओवरऑल गाड़ी की क्वालिटी वाइज अगर जाओगे आप तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई किसी प्रकार की नॉर्मल कोई अभी कमी नहीं दिखी हमको। अब मैं आगे आपको दिखा देता हूँ इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो दोस्तों अब हम मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर और क्या क्या आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर एथर 450X के अंदर। तो सबसे पहले हम फ्रंट की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ लेफ्ट राइट जो DRL लाइट है वो भी यहीं पर ही है और ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है आपको पता है उसमें सभी में यही नंबर प्लेट आती है आजकल। साथ ही साथ नीचे इसके LED लैंप है, जो हेडलाइट है वो भी LED है। तो मैं आपको इसका स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये इसकी LED हेडलाइट है और थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीचे आके इसके जो टायर्स हैं, ये MRF कंपनी के टायर्स दिए हैं इसके 12 इंच के टायर हैं और जो इसके रिम है वो alloy व्हील्स हैं और साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर हैं इसके। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है जो डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, आगे और पीछे दोनों साइड डिस्क ब्रेक है और शोकर सस्पेंशन है पूरा, तो ऑयल बेस्ड डिस्क ब्रेक है तो ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ ही साथ इसकी ब्रांडिंग मैं दिखा देता हूँ, LED लाइट के पास में इसकी ब्रांडिंग है आप देख पा रहे होंगे एथर से। साइड के लुक की बात करें तो लुक वाइज तो बहुत शानदार है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत ही स्लिम और स्लीक डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 450X करके ही ब्रांडिंग की हुई है, जो इसका मॉडल है एथर 450X का। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसके बैक में जो इसका टायर्स हैं, वहीं पर ही इसके जो डिस्क ब्रेक हैं वो मेंशन्ड है, साथ ही साथ अलॉय व्हील है पीछे भी और आगे भी दोनों साइड, और उसी तरीके से सिंगल शोकर भी है। और बैक में जो लाइट्स हैं यहीं पे जो LED लाइट की हुई है टेल लाइट वही है और वहीं उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड इंडिकेटर का भी मेंशन्ड है। और यहाँ पर भी एथर की ब्रांडिंग की हुई है जो इन्होंने, ये पूरी एथर का जो ब्रांडिंग है वो है। बैक में भी वही ग्रीन नंबर प्लेट है और आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कलर का है ये इसका शोकर है, सिंगल शोकर जो कि आपको धचके वगैरह में प्रॉब्लम नहीं करता है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है पीछे बैठने वाले को। साथ ही साथ इसमें एक यूनिक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, जो पीछे बैठने वाले हैं उनके लिए जो फुटरेस्ट दिया हुआ है, ये फुटरेस्ट के लिए दिया हुआ है, ये भी बहुत अलग और यूनिक है, तो आप ये किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, कुछ अलग और कुछ यूनिक है। साथ ही साथ इसका साइड स्टैंड है वो भी काफ़ी अलग और स्टाइलिश है, अगर आप देखेंगे किसी और से कंपेयर करेंगे तो ऐसा किसी भी गाड़ी में नहीं है अभी तक। सेंटर में हम फुट स्पेस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, आराम से आप इसमें सामान रख के ले जा सकते हैं। और जैसा कि हमको सर ने बताया अपने 300 किलो तक की वेट कैपेसिटी ये कैरी कर सकता है इजीली। अब बात करते हैं आगे के जो इसके फीचर्स हैं गाड़ी में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हाई बीम लो बीम के लिए जो है गाड़ी में आपका जो हेडलाइट है उसके हाई बीम लो बीम के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर इसके लेफ्ट राइट इंडिकेटर का ऑप्शन है ये, और ये इसका हॉर्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है फ्रंट और बैक दोनों साइड में, और इधर बात करें तो ये आपका पावर कट है पूरा कंप्लीट, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका पूरा पावर कट हो जाएगा, कहीं से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी बिना इसको स्टार्ट किए, तो ये उसके लिए है। तो ये स्पीड मोड के लिए ऑप्शन है आपका, कौन सा आपको मोड पे इसको रखना है, और ये आपका जो इग्निशन स्टार्ट करने के लिए उसके लिए काम आएगा। नेक्स्ट बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर इस गाड़ी का अगर है तो वो है इसका जो डिस्प्ले का लिए आपको ये दिया हुआ है, ये पूरा टच स्क्रीन है, अगर आप जब भी इसको चेक करेंगे अगर आप देखते हैं तो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पर, कितना आपका किलोमीटर गाड़ी रन करेगी, कितने परसेंट आपके बैटरी है, मोड आपके, ये पूरा टच स्क्रीन डिस्प्ले है, आपको पूरा टच स्क्रीन रहेगा, आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं जैसे भी आप ऑपरेट करना चाहें। सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जनरल्स है, सेटिंग्स है, एरर्स क्या आ रही है, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप कैरी कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें, और आपको पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जिसके नाम से ओनर है इनके धर्मराज शर्मा जी, इनके नाम पर गाड़ी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो पूरा टच स्क्रीन पैनल दिया हुआ है 7 इंच का ये, इसमें आपको ये सारा ऑप्शन भी दिखाएगी कि 88% बैटरी है आपकी, और अगर आप राइड मोड करते हैं तो उसमें आपका 61 किलोमीटर चलेगा, अगर आप ये स्पोर्ट्स मोड करेंगे तो इसमें आपका 53 किलोमीटर एस्टिमेटेड है वो ट्रेवल कर पाओगे आप, और इको मोड में यही आप 74 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इको मोड में आपका जो गाड़ी रहेगी वो अराउंड 50 किलोमीटर की मैक्स स्पीड रहेगी, बट उसमें आप किलोमीटर ज़्यादा रेंज निकाल पाएंगे, प्लस इसमें एवरेज स्पीड आपकी दिखा पा रहा है आपके यहाँ पर ट्रिप आपका कितना हो गया है, ये सब चीज़ें आप आराम से इस टच पैनल पर देख सकते हो।
प्लस यहाँ पे इसमें आपको सबसे अच्छा फीचर एक ये भी दिया है गूगल मैप का, कि आपको मोबाइल से अपना मैप कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी में इनबिल्ट है गूगल मैप, तो आप उसके यूज़ करके और अपनी लोकेशन डाल के जहाँ भी आप जाना चाहते हैं इस पर आपको टच करना है, और पूरा टच पैनल है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपको डिटेल्स डाल देनी है जिस भी लोकेशन पर आपको जाना है, और वो आराम से आपको गाइड करता रहेगा। तो इस तरीके से आप गूगल मैप वाले फंक्शन को यूज़ करके भी आप आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स है। नेक्स्ट आपको इसको थोड़ा स्पेसेस बता देता हूँ मैं, जो सीट का है हमारे सीट पे क्या क्या स्पेस है और इसका जो डिक्की का स्पेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सीट में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्पेस है पूरा इसके अंदर, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, परिवहन अगर छोटा मोटा कोई सामान रखना हो वो भी रख सकते हो आप। और इसको यदि ओपन करें हम लोग तो आपको इसमें अपना सामान रखने के लिए इजीली सामान रखने के लिए स्पेस है कि आप छोटा मोटा जो भी अपना सामान कैरी कर सकते हैं वो आराम से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सीट पे वही फर्स्ट एड किट है, प्लस इसकी जो बेसिक्स हैं सीट्स के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे प्लास्टिक से मटेरियल से बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पेस का, तो इसके स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, आप छोटा मोटा जो भी सामान रखना चाहे वो रख सकते हैं। साइड्स में आप चाहें तो अपना पॉकेट वगैरह, आप जैसे मास्क भी रख सकते हैं, रुमाल भी रखा हुआ है इजी रख सकते हैं, इसमें आपको पॉकेट वगैरह रखना हो अपना पॉकेट वगैरह तो वो भी रख सकते हैं आप। बैटरी का अगर देखें तो बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट है, बैटरी को आप निकाल नहीं सकते। नॉर्मल कई गाड़ियों में क्या होता है कि आप बैटरी आराम से रिमूव कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका बैटरी हमेशा अंदर ही रहेगी, बैटरी को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग के ऑप्शंस हैं वो ये हैं, यहाँ पे चाबी लगा के आपको स्टार्ट ऑन ऑफ होगा आपका, और चार्जिंग के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ गया है ये वाला यहाँ पे है, मैं दिखा पाऊँ तो ये चार्जिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको कनेक्ट करना है, इसका जो चार्जर मिलेगा आपको वो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और इसलिए आपका चार्ज होएगा। एक और अच्छा फीचर है इस गाड़ी के बारे में जो सर ने भी बताया था, कि आपको इसके जो 5 से 6 जयपुर के अंदर अगर आप हैं तो इसके 5 से 6 आपको चार्जिंग स्टेशन बना दिए हैं इन लोगों ने, एथर की तरफ से ही है वो। उन चार्जिंग स्टेशन पर अगर अभी चार्ज करते हैं गाड़ी को तो आपको वहाँ पे कोई भी चार्जिंग के लिए कुछ भी पैसा नहीं देना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप चार्ज कर पाओगे और 1 घंटे के अंदर अंदर आप वहाँ पे उसको आराम से चार्ज कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, कम टाइम में आपकी पूरी गाड़ी चार्ज, पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी फुल, वो भी 1 घंटे के अंदर, तो बिना किसी कॉस्ट के आपको उसके लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी अगर आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि आप और क्या जानना चाहते हैं इस स्कूटर के बारे में। तो मैंने जो सर से रिव्यू किया उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला कि बहुत सारे फीचर्स और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी में, आप भी अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो भी नियरेस्ट आपका शोरूम है वहाँ पर जाइए और टेस्ट ड्राइव ज़रूर कीजिए इस गाड़ी के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 3-4 महीने से यूज कर रहा हूँ मैं गाड़ी, और बढ़िया गाड़ी है, GPS सिस्टम है, और आप इस गाड़ी को सिटी में जैसे 4-5 जगह पॉइंट है और कहीं भी चार्ज कर सकते हो, GPS सिस्टम है और बढ़िया स्पेस है, एल्युमिनियम गाड़ी है, LED लाइट है और मजबूत गाड़ी है, 300 किलोवाट तक आराम से गाड़ी ले लेती है। Yeah.